मेरे महबूब का दराज होया तेन मनाने हो। लेकिन अज एक आशक ने फैसला हो केड़ा रोज तेरी गली से जाना था मैं तेरे घर की तरफ जरा भी रस्ता जाना था लेकिन हो गया हाए खाए तेरी गली वल जरा भी ना जाता जे उस राह विच जावा ते मैं काफर ऐ उसे सोना पर इतना भी नहीं सोना आज आशिक ने एक फैसले मनिया के बहुत सोना सही क्योंकि तेरे नाल प्यार हो गया सी ते तेनू दिल दे दिता सी मेरे महबूब जदू मैं तेनू दिल दे दिता मेरे दिल ना रिमोट कंट्रोल जरा तेरे हाथ ही सी तू जिधर चाहे मैं उधर फिरना था लेकिन क्या आना या से सोना इतना भी मैं सोना ही उड़ जे नाद उठावा ते मैं काफर आज तू आए आज तू सजना आज तू याद नहीं करनी मैं कदम बोसी उतर ले वसल जे पावा ते मैं काफर लेकिन थोड़ी कोई गल नहीं है तो केड़े आए खाए सजना थोड़ी अब छेस लगता है तो केड़ी चीज में अफसोस लगना कि असा दराज होया तेरी खिदमत करने आ तेरे ना मत है झाड़ू फेरने आ आख्या है ना सलकन तेरे रस्ते ते बिछा दिता के मेरा महबूब आसी लेकिन तू नहीं आया एक चीज ना अफसोस लगना बाकी किसी चीज का दुख नहीं हो केड़ा बड़ी बारिश हो रही है सावन में हर पास पानी पानी नजर आना लेकिन मेरे महबूब तेरे प्यार और इस तेरी जुदाई में मैं इतना की तड़पिया और इतना की रोया कि सावन की बारिश भी तेज नहीं आनी जितना मैं रोया सावन नहीं रोया वही की अखर वगावा है ओए मैं काफर कल से तू रुठा आज सी मैं रुठा आज एक फैसला मेरे महबूब हो गई वो केड़ा बोलन बलान को दूर की गल तेन रुठा मनावा ते मैं काफर इधर फरमाइश करने पे जनाब अजमत फारूक राजा निसार राजा गुलाम रजा मोहम्मद जावेद मुश्ताक अहमद जनफर अली ड्राइवर अजहर हुसैन जिला चकवाल बामकाम डोक अलवो डोक अलफू अच्छा मेरे माधु अगर तू मेरे नाल नाराज होना है या तू एक गल कह रहा है कि मेरा आशिक जड़ा है इस दुनिया तू चला जाए तो फिर एक कम कर ओ केड़ा शेर लिखदा लाला खंजर तमार शदीद छोटा लाला खंजर तमार शदीद छोटा तेरे दिल दी असरत जनाल मिट जाए बोल के कदा ना सी कर सा बेशक दुनिया ना साजो सवाल मिट जाए मेरी लाश यू खून दा गुसल देवी ताके दाग जुदाई जुराल मिट जाए ओ मेरी लाश ने दोस्ते सदी को
तरफों मेरे लाश के चोते शीद कर रहा तेरे दिल की हसरत जरा मिट जाए। मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी गल की, लेकिन आशिक ने ख्याल क्या बोलिया वा आसम साहब ने ख्याल के मैं महबूब की मनाया और नहीं मनिया। इस बार तंग आया उसे गल आखी के मिट्टी ने बुद्धा अच फैसला है जे अज तेरे को आना तो मैं दस। अच्छी गल जनाब मेरी साहब पेश की थी, लेकिन आशिक आशिक हकीकत मरना नहीं तो वह आशिक अजकल ने आशिक नहीं। जिस तरह इतना कई दोस्त इस बदल में मौजूद हो सर, अगर थोड़ी जी भी गल हो जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकते और एक दूसरे को अपने राज दसते रहे तो इश्क नहीं। आसम साहब ने ख्याल सी कि मिट्टी ने बूटा अज फैसला है जेकर तेरे को लावा तो मैं काफर। आसम बोलन बोलान बहुत दूर की गल, तुद वाल नजर उठावा तो मैं काफर। साहब इतना भाजी असलम साहब और राजा तारक साहब, राजा तारक साहब अक्तम नकटामी ग्रां और चौधरी साहब रसूल साहब मिथ्या गुलबाग नाल और हाजी असलम साहब मूले ग्रां का तलर शेर मिथे आलम शेर नाल रामे ग्रां तू इस मेरे दोस्त ना रस्ता जाना चौधरी साहब रसूल मशहूर मरू फस्ती है इस बदम ने सरबरा भी है पुरानी चादन कावे पर हाजी असलम साहब और राजा तारक साहब। आसम साहब ना एक ख्याल के किस वक्त तू ना क्या अपने महबूब रूके मिट्टी ने बुद्धा अज फैसला है जे कल तेरे को आवा तो मैं काफर। इस तू पहले एक शेर के जिस वक्त तू ना महबूब रुसिया महबूब नू मना नहीं केड़ी केड़ी उन्हें कोशिश की तू सुबह दे गल आखी ने जनाब को जिस तरह का ख्याल करने होने महबूब ने तक भेजा कि जाओ मेरे महबूब तक पैगाम लाया जाओ, हो सकता हो सकता कि उसने दिल से रहम आ जाए। खत पाया नहीं मनिया सखिया क्या दरिया के नच जाके भाई जिस तरह बोले शाह नचा सी तू भी जाके महबूब ने दर्द नच शायद इस तरीके मन जाई सखिया क्या दरिया जे नच जाके कजरी पेश मचाया हो नहीं मनिया बुद्धी सदा ना बोल बस जीत चाहिए। अच्छा मेरे महबूब ने एक आवाज दी आशिक ने कि मेरे महबूब बेशक तू सारी जिंदगी मेरे नाल बोलना रुठा टिकाओ नाराज टिकाओ, लेकिन क्या कि अपना दीदार टकरा ताकि तेरा दीदार हो जाए और मेरे इस तड़पने दिल नू आराम आ जाए। ना बोल बस दीद चाहिए थी वो तेरा तोड़ी नहीं आया वो नहीं मनिया कभी जोगी बन कभी कलंदराम लाल सौखा नहीं मार पहले अपना आप मारना पैना तो फिर दूए बंदा मारने से तैयार हो रहा हूं कभी जोगी बन कभी कलंदराम लाल है खाए गले च रसा पवाया वो नहीं मनिया खाकू खाकू के दर दर खाक छाणी कोई दोस्त ऐसे जिन्हें मुराद ना पूरी हो दरबार से चले जाने के फलाना एक बुजुर्ग है उसे दरबार से मैं चादर चाड़सा खुद जाने मैं झंडा चाड़सा हर एक बंदा अपनी अपनी चाद लैके उसे जाना और मुरादा पूरी हो जाएं। आशकेदार भी चला गया एक बारी ने दर्द है भाई हो सकना मेरा महबूब राजी हो जाए, अगर मेरा महबूब राजी हो जाए तो मैं भी इस दरबार से चादर चाड़सा, लेकिन इतना रहम दिल महबूब जनाब को इस तरह सारे ख्याल करने आने
ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਿਆ ਵਾ अगला शेर कैसे भूल जाऊं उनको ऐ नासर, कैसे भूल जाऊं उनको ऐ नासर, ये कैसी बातें करते हो, सूरत तो फिर सूरत है, नाम भी अच्छा लगता है। माना के मेरी जात में सवाब है मगर दिखते नहीं है, खुदा की कसम हम फकीर लोग। शाखों को यही बात गिराव गुजरी, शाखों को यही बात गिराव गुजरी, क्यों ना सस्तेदार से खरीदे गए हम फकीर लोग। उनको नहीं करवाई गलत ख्याल साहब, राजा तारक साहब, आर्य सन साहब और सरदोस झूला फखर अब्बास, इन्हें चादरन साहब अक्सर मेरे में गुप्त बेशक मेरा नाम नाराज करो, लेकिन एक और गल आना तेरी चली टकराऊंगा सर, हो तेरी दलील पे इतना टकराऊंगा सर, रिश्ता रूह और जिस्म का तोड़ दूंगा, तड़प तड़प कर दे दूंगा जान अपनी, या फिर रुख तकदीर का मोड़ दूंगा। वो तेरे कदमों में, वो तेरे कदमों में जिगर का खून साजन कतरा कतरा कर सारा निचोड़ दूंगा, कसम तेरी ही कर तुझको ना पा सका मैं, तेरी दुनिया ही अहमद मैं छोड़ दूंगा।
लेकिन मेरे महबूब एक और गल भी है, वो सदा सजना सदा ना करेंगे, आज के बाद ना इसराइल बन दामन फैलाएंगे, हम रो लेंगे बैठ तारीखियों में, अब ना उल्फत के दीप जलाएंगे हम, ओए साथ मुकद्दरों के, और किस्मत क्या अपनी, और किस्मत क्या अपनी आजमाएंगे हम, तड़प तड़प कर सागर जी मर जाएंगे, तेरी चौखट पे कभी ना आएंगे हम, ओ अगे सुका सो रे सुका दई, अगे सुका सो रे सुका दई, मैनू चिरका प्यारिया कई दिगे, मैनू चिरका प्यारिया कई दिगे, तेरी आमद खातर पे प्यार आवे, तेरी आमद खातर पे प्यार आवे, थक गया हुण रावण विच कई दिगे, थक गया हुण रावण विच कई दिगे, आखिर मोती उड़ खंडित है आन पहुंची, आखिर मोती उड़ खंडित है आन पहुंची, तेरे आन दियां खबरां हुण कई दिगे, तेरे आन दियां खबरां हुण कई दिगे, तू ना मिलिया तां तेरे लोग बैर तारक, तू ना मिलिया तां तेरे लोग बैर तारक, करना की इकबाल मर्दे कलंदर गुजरात ने लिखे हुए शेर, नजदीक जान की कोशिश की थी इतने महबूब छोड़ा दिता, आख्या मेरे दोस्त आशक इस चीज ना ना है जड़ा हिजर रफराक सजना रवे,
किसे लिखने वाले लिखिया आशिक जार महबूब ने दर ते जाना लेकिन उठे अगे दरबान खड़ा होना दरबान नु केड़ी आवाज देना शेर लिखदा दर अदालत जो पेश कीती अर्जी मोड़ ले आई दरबान अंदरू कहते नहीं मंजूर जनाब अगे मसुर के खफाए हो गए शाही जमाल अंदरू महबूब दरबान तो कुछ ना के है दरबान ये इतनी दुखिया दास्तान किस शख्स ने है मेरा दोस्त गया अपने महबूब नु मिलने वास्ते ते चलान हो गया चलान ते वैसे गड्डियां ने होने नाशका ने कदी नहीं होए ना ही कदी आशका टप्पिया चलान दर बहरहाल इससे रंगी जी अगला एक शेर जनाब खाजत महमूद महबूब साहब ना एक ख्याल फुल नाल अपने महबूब नु तशवी देने आ मेरे चमन विच जदू बहार आई शेरी फरमाइश मेरे दोस्त तामी दुआए जफर महमूद उर्फ पोला और जफर महमूद उर्फ पप्पू ओ मेरे चमन विच जदू बहारी आई जालम माली ने पैरे लगा दिते इन्हें क्या कि दरबाने अंदर नहीं जान दिता लेकिन एक शायर ना ख्याल के जिस वक्त मेरे महबूब ते शबाब आया उस वक्त मैं गया महबूब ने दीदार आस्ते केड़ी गल हुई आना मेरे चमन विच जदू बहार आई जालम माली ने पैरे लगा दिते जिगर फुला का जालमा जाग तारीखे ओ मालियो ए वो बूटा तुसा साल लेकिन मेरा इस नाल प्यार सी बड़े प्यार मोहब्बत नाल इसनू पालिया सी लेकिन तुसानू नहीं पता इस चीज का कि मैं इस नू आशक हां अगर आज तुसा पैरे बैठा दिते न ते के होया कि मेरे दिल नू बड़ी ठेस आई चोट आई हाना मेरे चमन विच हाए खाए मेरे चमन विच जदू बार आई जालम माली ने पैरे लगा दिते जिगर फुला दा जालमा चाक कारी थे आरी गल रकीबा ने पा दिते एक दे दिल दे चमन वीरान करके एक दे घर दी रौनक बला दिते मैं वश सजदे सन जेड़े बागीचियां विच थले पैरां ओ फुल रुला दिते ओ मालियो तुसां नूं इस चीज दी कदर नहीं सी भाई ओ एक फुल से ओ पैरां विच रुला होणा नहीं सी लेकिन फिर इस मकाम ते अगली शायर ने ख्याल शहर चला गशना जिस वक्त महबूब ने दर्द जाना तो कि गल करना आना बड़िया कीतियां आए बड़िया कीतियां मिलता ते लखा तरले पैरेदार दरबानी जान दिता दर्दा परे अरमान रे दिल अंदरे ना कोई सुनन दिता ना सुनान दिता ओ लग हथ संगीना ते ओए अगे एक कदम नहीं अगे उठा दिता मैं वश जुल्मो सितम दी हद ओ गई अखी नाल नी टकन जनान दिता जिस वक्त ज्ञान को मैंने आख्या एक दफा मैनू अपना महबूब ना दीदार कर दो लेकिन आना पहरेदार वो जो दरबार से उन्हें नहीं ज्ञान दिता तो शायर ने ख्याल आना पहरेदारो ओ पहरेदारो अल्लाह नाम वास्ता है ओ पहरेदारो अल्लाह नाम
दीदार तै करन दी ओ तुहाडा कदी आसान ना भुल सामै बुए यार दे कदम तै करन दी ओ खातर दीद मसाल जो रिया भुखा आखर वार उन जीव तै भरन दी ओ मैं वश सुखा विच उमर गुजार दित्ती मैनू सुख नी मौत तै मरण दी ओ उस ना तोहफा प्यार दा फिर भी पी गया आबे याद समझी मेरे दोस्त जफर महमूद और पप्पू और जफर महमूद और सोला इन्हें चादर मुताबक एक शेर दिलाना दिला नु गल आखना शायर के दिला तेन कई बार मना किया कि तू उठा उच्ची जगह तेने ना ला तेरे तू बहुत बुलंद नो पर जिस वक्त तू नाल प्यार पासे तेन कोई जान ना देसी तेरी महबूब नाल मुलाकात ना हो सी तू तड़प से फिरक से लेकिन उस वक्त मजबूर हो से लेकिन दिल नहीं मनिया तो फिर एक शायर ना ख्याल तेन कई बार मना किया तेन दिला रोकना सौ सुना के ना जा उस दर तै उठे अगर पहरेदार पहरेदार खड़े नी तेरे महबूब ना तेरे नाल मुलाकात होनी बहुत ही मुश्किल है लेकिन तू मेरी गल नहीं मनी जिस वक्त दिल रोया तो फिर शायर दीवाना उसकी कड़ी गल आखना चला जा से आपने महबूब की मुलाकात आस्ते उस वक्त तेन वो पहरेदार मुलाकात नहीं कर देन लगे लेकिन जहान ले लोग उस वक्त तेन ताने मारसन के तू दीदार आस्ते गया से तू दीदार आस्ते गया से तेन किसी दीदार नहीं कर दिता हूँ वापस आ गए इसे शेरी फरमैश मलक बाबर साहब यानी मुख्तार मलक खुरम इलेक्ट्रीशियन राजा तो सीस्टामिन तलक सोच ला बिना कसूर चंगा ओ दिला तू अपने भी दुख उठाए तो बड़ी गल है तो गहरा वकीबा लोगों ने क्यों दुख उठाई फिरना है
भले मानसा तोड़ दवानी सी भाई जिस वक्त बंदा यारी लाना उस वक्त इस चीज ना होश नहीं होना क्योंकि दिल काबू तो बाहर होना मेरे दोस्त मलक फयाज साहब मुले ग्रानल तलक राजा तारक टर्मिनल तलक और राजी असलम साहब मुले ग्रानल तलक फखर अब्बास साहब और कमर अब्बास और जनाब राजा दिलबीर साहब और मलक इमरान बुंदरी राजा अबद साहब आजी राशिद साहब और राजा बहीद साहब आजी अदालत साहब दोस्तों आओ कि मुझे खंडर ना तलक और चौधरी साद रसूल साहब नसिया आलम शेर ना तलक मेरे शेर ने दोस्त मेरे दोस्त ने शेर पेश किया कि जिस वक्त यारी लाई आ उस वक्त तेन सोचना चाहिए था लेकिन एक शेर ना ख्याल आना लाने वो सजना लाने किसा गल सोचा नहीं सही शेर नहीं फरमैश मेरे दोस्त जनाब फरद साहब जेड़े पड़ाल तू आए चौधरी रोज शहजाद साहब ने थे गुरबास तू आए आना लाने हाय लाने वो सजना लाने ता किसा गल सोचा नहीं ऐसी अकल प्यार विच मस्त हो गई लेकिन क्या ओ देवा दोष ओ देवा दोष की शायद तकदीर उल्टी दस्ते का तब से यो मिला लस्तियों की जित गया बाजिया मलक जी भाई उस दिन असा आर गए साड़ी शिकस्तियों की क्यों कि ऐसा दिल दे दिता महबूब असा ना जित गया लेकिन एक और गल भी है वो सजना नवियां लान दी चा ना कर वो नवियां लान दी चा ना कर पहले जो लाइया नी तोड़ ना पानिया सिख वो दौर सादगी दा यारा सियाणिया सिख ये मेरे बोल गल भी है ओ केड़ी ओ वाकफ राज ते नाले अमराज पीए पहले सुन ते फेर सलाणिया सिख अकल यारा संग करने फरेब छड़ दे अगा सीने शरीका ने लानिया सिख लेकिन क्या मेरे दोस्त ने शेर पेश किया कि पहले सोच के लानी सी आ कि मैं मेरे दोस्त सोचा बिल्कुल वो जज्बा उनसे मोहब्बत है नाज़िक हूँ जज्बा उनसे मोहब्बत है नाज़िक हूँ लगा तोड़े ना बानिया सिखिया मैं लगा तोड़े ना बानिया सिखिया मैं जज्बा उनसे मोहब्बत है नाज़िक हूँ लगा तोड़े ना बानिया सिखिया मैं लगा तोड़े ना बानिया सिखिया मैं दानिशमंदा दी बजर सू दस लेके दानिशमंदा गल्ला करनिया सियाणिया सिखिया मैं गल्ला करनिया सियाणिया सिखिया मैं पी के सबर दा बहुई क्या मिठा पी के सबर दा बहुई क्या मिठा पी के सबर दा बहुई क्या मिठा बना गम दिया जानिया सिखिया मैं बना गम दिया जानिया सिखिया मैं दोस्त दुश्मन दा दर्दी शह जात बंगे दोस्त दुश्मन दा दर्दी शह जात बंगे बल्दिया अगा बुझानिया सिखिया मैं दोस्त दुश्मन बिल्कुल मेरे दोस्त सोच समझ के जारी लाई है शेर अदा सागर साहब नाम जनाब की जिस तरह दर ख्याल करने आने लिख दे मनिया के असी अमीर नहीं आ दौलत मान कोई साहेब जागीर नहीं आ मनिया के असी अमीर नहीं आ दौलत मान कोई साहेब जागीर नहीं आ हाय खाया गरीब लेकिन बेजमीर नहीं आ
गरीब हाँ लेकिन असूल केड़े हाँ गरीब लेकिन बेजमीर नहीं आ असाया देवी सजना यकीर नहीं आ वकीते कोल करारा दी लाजोए रखता तेरे तू हट गया रकीब लोग बेशक इसका दिला देकर लेकिन असा तेरे ना जेड़ा प्यार किता उससे जगह कर असा अड़ लोकी खिदाई च रंग बार दे वल बेशक तेरे तू वद प्यार दे वल था था प्यारा विच वटांगे लई था था प्यारा विच वटांगे लई किते कोल करारा सलामी करसी नहीं मैं इस की ना मनना क्यों वो इश्क वो खत्म हो चुका वो प्यार खत्म हो चुका अगर दो भरा वो भी एक दूसरे नु कपड़े टुकड़े दो दोस्त वो भी चंद दिन उन्होंने दोस्ती है लेकिन क्या उसने लिखी मतलब है बगैर मतलब तो कोई टुकड़ा किस तरह चंग सियालों दी हीर जट्टी रोटकले चंग सियालों दी हीर जट्टी लाल रांझे दे कर वफा गईया खूब आक दी अजरत बला लिताई व सच्चा आशके रसूल बना दिया तुसा ना इश्क है या तुसा का इश्क तुपासो तुसा नित्री जानी नहीं है शहीद अवैस करनी जिस वक्त पता लगा अनूर नबी पाक ना एक दंद मुबारक शहीद हो गया अवैस करनी ने 32 दंद अपने शहीद कर दिते तो योजना चढ़ा दंद शहीद हो गया
ਇਸ਼ਕੋ ਸਾ ਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ एक तेसे नाल ओ भी आशिक सी पहाड़ पूरा जरा खुड़ दिता उसने नहर बन दी अगर तुसा थोड़ी जी बदनामी यार पिछा हो गई है तो बर्दाश्त नहीं हो सकी तुसा क्या इश्क मासो या तुसा नी मैयत क्या एहतराम दसी दुनिया वाले ना ससी नू रोक सके बड़ी बड़ी कोशिश की थी लोग ससी नू रोकने वास्ते उन्होंने भी छैर के रखा ससी नू भी रखा बिना ने मुलाकात ना हुआ लेकिन क्या मैं चिस्की न जाना कि तू मेरे नाल यारी लागत और चढ़ से क्यों वो अंदर बुगज तेजारी खुशामदां करदा मेरा जमीर तस्लीम नहीं है जहीर साहब अंदर बुगज ते जारी खुशामदां करदा मेरा जमीर तस्लीम नहीं है मुर्दा दिलां विच ओही शमार हुंदा जिस दे विच भी अदब तादीम नहीं है ओ कोई बदले इरादे ता पिया बदले ना ये तुसा नी पुत्रा पात्री मैं ना जाना फौजी बंदा सिद्धा जा साहब है ओ कोई बदले इरादे ते पिया बदले मेरे विच इरादा ए तरमीम नहीं है रखे असद जावेद जो बन पल्ले तकी उस राए मुस्तकीम नहीं है ओए असल मर्दानु मर्द पै जान लेंदे असल मर्दानु मर्द पै जान लेंदे जोड़ कंधे नाल कंधा विच रोड नहीं जोड़ कंधे नाल कंधा विच रोड नहीं टुटन लखो मसीबता सारी उते टुटन लखो मसीबता सारी उते कम दिल बन के मुख नू फेरते नहीं कम दिल बन के मुख नू फेरते नहीं जिस धर झुक दे पका बल ले दे जिस धर झुक दे पका बल ले दे आखिर दम तोड़ी उधर छोड़ते नहीं आखिर दम तोड़ी उधर छोड़ते नहीं जेड़े मर्द उदास या सीर आंदे है जेड़े मर्द उदास या सीर आंदे है लाके हिक दे गैर वाले तोड़ते नहीं लाके हिक दे गैर वाले तोड़ते नहीं जेड़े मर्द वे उदास या सीर आंदे जेड़े मर्द उदास या सीर आंदे है लाके हिक दे गैर वाले तोड़ते नहीं जेड़े मर्द उदास या सीर आंदे है लाके हिक दे गैर वाले तोड़ते नहीं हो सर कदर फिर ना छोड़ दे तू भाई लाखी भी है वो दर बदर फिर ना छोड़ दे तू वो दर बदर फिर ना छोड़ दे तू सिद्धू बंद खा दम किस है एक दारा हो सिद्धू बंद खा दम किस है एक दारा हो कर ला नक्शे तो समझ से पीछे ने कर ला नक्शे तो समझ से पीछे ने उधर इसकी विच तड़पता सिख दारा हो उधर इसकी विच तड़पता सिख दारा हो जिसका हो जाने सदा तो उसका जिसका हो जाने सदा तो उसका मुड़ ਦਾਰਾ ਹੋ ਮੁੜ ਮੁੜ ਤੇ ਦੀਵਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਰਾ ਹੋ ਸੋਖੀ ਇੱਕ ਸੰਨ ਨੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੀ ਤੇਰੀ ਸੋਖੀ ਇੱਕ ਸੰਨ ਨੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੀ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਥਾਵੇਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਇੱਕ ਦਾਰਾ ਹੋ ਸੋਖੀ ਇੱਕ ਸੰਨ ਨੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੀ ਤੇਰੀ ਸੋਖੀ ਇੱਕ ਸੰਨ ਨੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੀ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਇੱਕ ਦਾਰੋ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ
एक जगह ते अगर लाइए तो सारी जिंदगी उत्थे रहो। ये जहरी फूतरा फातरी या टुश टश मैं ना पसंद कर रहा। अरसा हो गया इस न्याणे चुनने, मैं उश्क ना कमा सकना ना तुस कमा सकने हो। जिसनी मैं गल करना उत्थे आओ, तुसा क्या यारियां लानियां या तुसा क्या इश्क कमाना। भाई वो आशिक आज कर रहा है कि अगर महबूब ने दीदार आता या महबूब ने मिलन आता है जान राती हो सकना आका एक सरूट आवाना चो लेत नस्प पर पिया क्या बंदे खलते पे जहिर साहब यो आशिक है। लेकिन मैं इन्हें निकल ना करना, मैं केड़ी गल करना आना वा इश्क हकीकी विच आशिक आउंदी। मलक साहब चा बादी पिए तो सुनो हुण गल्लां अगर सुननिया ने तैन आना इश्क हकीकी हो विच आशिकां दी एक पायर सिफत है अते बयान बोलू राजी रखिया जिना महबूब ताई रुतबे उना दे आला जहान बोलू। तुसा क्या इश्क माना या तुसा क्या आशो बोसो उन आशिक नहीं मैं गल करना पिया जिना ना इस टाइम तक भी दुनिया ना लेनी है के मुस्लिम सबर दी आद हुसैन की थी पूरा कुंभे दा कुंभा कवा दस्या वो आशिक से तो इश्क सी। आज अगर ये बारिश आ गई है तो उस टाइम ही आ सकती थी लेकिन क्या वो एक आशिक का नाम तहान सी आशिक वो अपना तहान पास कीता। तुसार अगर रास्ते भी सरूट ते सरूट तक है नठे नहीं क्यों आना इश्क हकीकी विच आशिक आउंदी ए पायर सिफत है अते बयान कोलू ओ राजी रखिया जिना महबूब ताई रुतबे उना दे आला जहान कोलू ए खादा बदन अयूब दा कीड़ियां ले। अगर तुसा की सुई चुप जाए तो तुसा हो सकना महीना पूरा सुताला जाने रुक जो तका सब लड़िया हुआ लेकिन किस तरह ओ खादा बदन अयूब दा कीड़ियां ले आया बाद ना इश्क कमान कोलू आरे जकरिया तई दो खन कीता पहले लै सी कम जबान कोलू यूनस रह गए पेट विच मछली दे वो आशिक से। मलक साहब जहीर साहब रे आशिक नहीं ना मैं आशिक की पसंद कर रहा ओ यूनस रह के पेट विच मछली दे होया गाफला यादे जलान कोलू हजरत नू ने भी बेड़ा ठेल दिता दरिया मूला उठे तूफान कोलू। लेकिन होर केड़ी गल गश खा के मूसा कलीम डिग गया मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कि मैं दीदार कर रहा उन्हें भी दीदार किया वो आशिक वो गश खा के मूसा कलीम डिग गया अदना चे वसाले खुबान कोलू इब्राहिम भी नार गुलजार कर ली जिस वक्त अग विच सटिया गया क्यों या कि उस दोस्तों चंद एक शेर और उस तो बाद सस्सी ने बैन जनाब अनवर फराक साहब ने एक लिखा हुआ शेर कि आशिकदार अपने महबूब तक नहीं जा सकना आज बिस्तर मर क्या पिया के करना के वादे सभा नु पैगाम देना के ऐ वादे सभा मेरे महबूब ने गली चू तेरा गुजरान उसी ते मेरा एक पैगाम लै जा भाई मेरे महबूब नु मेरा पैगाम दे दई फरमेशकार ले राजा तारक साहब हाजी इस्लम साहब हाजी आजम साहब बरक शाह साहब चौधरी सरसूल साहब जफर और कोला और जफर उस पप्पू फखर अब्बास और कमर अब्बास और मेरे दोस्त अदर साहब उन्होंने भी शेर दिए जरा कोई इस तरह दारे गल करने आने लिखदा होई